सहस्रशीरीषा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमिघं सर्वत सपृत्वा अत्यतिष्ठ दिशांगुलम। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो आइयो मेरे प्यारे मित्रों और भगवान श्री हरि विष्णु जी के प्यारे भक्तों, अब मैं आपको अधिक मास के चौथे अध्याय की कथा कहता हूँ। अधिक मास कहने लगा कि हे नाथ, हे दयानिधे, मल मास मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ पर आया हूँ। अब आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्मों से वर्जित, अनाथ तथा सदैव घृणा की दृष्टि से देखा। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? कठोरता क्यों हुई? इस प्रकार भगवान से कहकर मलिन मुख मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रवी भूत हरि के आगे बैठे दीन बदन मलमास से कहने लगे कि हे तात, तुम अत्यंत दुखों में डूबे हो, सो मैं तुम्हें, ऐसा भारी दुख तुम्हारे मन में क्या है? तुम किसी तरह का शोक मत करो, मैं तुझे दुख में डूबे हुए का उद्धार करूंगा, क्योंकि मेरी शरण में आकर तुम शोक करने के योग्य नहीं रहे। नारायण बोले कि ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास दुखी होकर मधुसूदन भगवान से बोला कि हे भगवान, हे दयानिधि, आपको सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ आप जानते हैं। आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता, इसलिए हे भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा दुख किसी को ना हुआ ना देखा, सो आपसे कहता हूँ, क्षण लब मुहूर्त पक्ष मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं। परंतु ना मेरा कोई नाम है, ना मेरा कोई धर्म है, ना कोई मुझे आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है तथा शुभ कर्मों में ये मलमास वर्जित है, ऐसा सभी अंध परंपरा से कहते हैं। इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। सो हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, इस तरह बार बार कहके मलमास शांत हो गया। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अथ चतुर्थ अध्याय संपूर्णम्।